नमस्कार, मेरा नाम इंद्र सिंह पुजारा, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। ये 1.5 साल पहले मेरे को इमोशनल होने में दिक्कत हो रही थी, ब्लडिंग आ रही थी। मैंने वहाँ की लोकल हॉस्पिटल में दिखाया, काठमांडू में दिखाया। वहाँ उन्होंने जब चेकअप वगैरह किया तो मेरे को कैंसर दिखाया। कैंसर दिखाने के बाद में वहाँ उन्होंने बोला कि आपकी कीमो चढ़ेगी पहले, उसके बाद में रेडिएशन होगा, उसके बाद में ऑपरेशन होगा बोला। पहले मैंने कीमो लगवाई, फिर उसके बाद में रेडिएशन किया। 3 कीमो तो मैंने पहले लगवाई। 3 कीमो लगाने के बाद में फिर रेडिएशन किया 28 दिन का। रेडिएशन करने के बाद में उन्होंने वो बताया कि मेरे को मतलब अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन इस हिसाब का होगा कि आपका परमानेंट ब्रेक बाहर से लगेगा, नीचे से नीचे का रास्ता पूरा बंद होगा जिंदगी भर के लिए, मतलब ऊपर का ऊपर से मतलब परमानेंट ब्रेक लगेगा। फिर मैंने सोचा मतलब अब ये तो होगा नहीं, अब जिंदगी भर के लगाने में अच्छा तो बल्कि मर जाना ही अच्छा है। फिर मैंने ये गूगल में सर्च किया, व्हाट्सएप में, विभिन्न ये अब यूट्यूब चैनल में देखा, तो मणिपाल हॉस्पिटल का नाम सुना, फिर अनादेश्वर का नाम भी सुना मैंने। फिर मैं काठमांडू से यहाँ आया, दिल्ली में आया। सर के साथ बात होने के बाद बात भी हुई मेरी, व्हाट्सएप में बात हुई, यहाँ आ जाओ चेकअप करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं बोला। दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद में और हॉस्पिटल में भी दिखाया, कहीं से भी मेरे को संतोषजनक रिपोर्ट नहीं, मतलब उन्होंने बताया नहीं, मतलब परमानेंट ही ब्रेक लगेगा बोला उन्होंने। फिर यहाँ अनादि सर के यहाँ में मणिपाल में आया तो इन्होंने 70% तक मैं गारंटी देता हूँ, 30% के लिए मतलब उन्होंने, अब ये भगवान की बात, ऊपर के हाथ की बात बोला उन्होंने। फिर मैंने एक्सेप्ट किया। 5-6 महीने पहले मेरा सर्जरी हुई और परमानेंट ब्रेक मेरा नहीं लगा हुआ है। अभी पहले से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अच्छा है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं यहाँ के, मतलब और कर्मचारियों भी अच्छे लोग हैं। जिसको जो भी मेरा जैसा जिसको प्रॉब्लम है यहाँ के करवाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनादि पचौरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनकी शिकायत रहती है कि उनको रेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनको एक परमानेंट स्टोमा के लिए, परमानेंट स्टोमा यानी APR प्रोसीजर है जिसमें कि रेक्टम को पूरा निकाल दिया जाता है और फिर एक परमानेंट बेड लगाया जाता है, उसके लिए सजेस्ट किया है। तो ऐसे मरीजों में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा ऑप्शन पॉसिबल होते हैं जिनके अंदर रेक्टम को बचाया जा सकता है, परमानेंट स्टोमा की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी टेम्परेरी स्टोमा के बाद उनकी फाइनल सर्जरी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी बिल्कुल स्टोमा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो समस्या है ये स्पेशली होती है वेरी लो रेक्टल कैंसर्स के अंदर, जो कि एनल वर्ड्स से 2-3 सेंटीमीटर की रेंज में यूजली होते हैं। इन कैंसर्स में जो रेक्टम की जो स्फिंक्टर जो होते हैं उनके इन्वॉल्व होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि कंट्रोल मैकेनिज्म खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी में ऐसा लगता है कि अगर उसके स्फिंक्टर इन्वॉल्व हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको उसके रेक्टम को निकालना पड़ता है पूरी तरह से और एक परमानेंट बैग लगाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जो नई टेक्निक्स हैं उनके हिसाब से देखा गया है कभी कभी कि अगर जो रेक्टम में 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर, अगर इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी है और अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर फ्री है तो उस कंडीशन में हम रेक्टम बचाने की सर्जरी कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को हम ISR सर्जरी या इंटर स्फिंक्टर रिसेक्शन कहते हैं। जैसा कि इन पेशेंट्स में जो पुजारा जी हैं इनमें हुआ, इनके अंदर जो देखा गया कि इनका इंटर स्फिंक्टर प्लेन फ्री था, आउटर स्फिंक्टर फ्री था, केवल डिजीज जो थी वो इंटरनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करी हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने इंटर स्फिंक्टर सर्जरी करी और इनिशियली सर्जरी के बाद में एक टेम्परेरी स्टोमा दिया जिसको कि थोड़े दिनों बाद रिवर्ट कर दिया गया एंड नाउ ही इज एबल टू कंट्रोल द फीसिस एंड मोशन नॉर्मली पास करने की, नॉर्मल जगह से मोशन पास करने के लिए कैपेबल है। जो लो रेक्टल कैंसर्स होते हैं उसके अंदर इसी तरह से कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनसे कि परमानेंट स्टोमा की ऑप्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि आप कभी कभी हम अल्ट्रा लो रिसेक्शंस करते हैं, अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शंस बोलते हैं इनको, अल्ट्रा लो AR बोलते हैं हम लोग, या फिर कभी कभी हमको ISR इंटर स्फिंक्टर रिसेक्शन का प्रोसीजर करना पड़ता है जैसा कि पुजारा जी में किया गया। कभी कभी हम लोग इसमें ट्रांस रेक्टल एक्सीजन भी करते हैं जिससे कि केवल इंटरनल लेयर्स ही निकलती हैं और स्फिंक्टर प्रिजर्व हो जाते हैं, उसके बाद में पेशेंट का नॉर्मल रास्ता मेंटेन रहता है।
तो इस तरह के ऑप्शंस के बाद में हम लोग पेशेंट्स को परमानेंट स्टोमा के जो प्रॉब्लम है उसको उससे बचा सकते हैं। तो अगर किसी मरीज को इस तरह से सजेशन दिया गया है कि उनको परमानेंट स्टोमा बनाने की जरूरत पड़ेगी तो एक बार इस तरह के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मणिपाल हॉस्पिटल में एक बार आके आ सकते हैं इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या ऐसी कोई फिजिबिलिटी है कि जिसमें कि परमानेंट स्टोमा को अवॉइड किया सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे मरीजों में ये फिजिबल है, फिर भी हम बहुत सारे मरीजों में इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं।